रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। ये लेटेस्ट वीडियो है और यदि आपने पैकेज ले रखा है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। कुछ यूनिक बात बताने वाला हूँ और ये जो लेटेस्ट नज़ारे हैं लाहौल स्पीति के हैं और हमारे टीम मेंबर है आपके लिए लगातार हर परिस्थिति के अंदर वीडियो ला रहे हैं। ये मनाली ले हाईवे का सीन है और खांगसर लाहौल स्पीति मिलियांग होम स्टे का ये सीन है और ये नज़ारे हैं मनाली के हैं। और मनाली के अंदर भी अच्छा स्नोफॉल लगातार सुबह से हो रहा है रुक रुक कर, और ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। और गाड़ियाँ स्लिपरी रोड कंडीशन हो चुका है। शिमला के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। हमने सुबह ही जैसे स्नोफॉल प्रारंभ हुआ और मनाली के मॉल रोड का नज़ारा दिखाया और उसके बाद स्नोफॉल होता गया कम या ज़्यादा, तो उसके बाद ये शाम का नज़ारा है। और इसमें भी एक विशेष अपडेट, यदि आप रात को आ रहे हैं या कल आ रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि रात को न आएँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि रोड कंडीशन और स्लिपरी हो जाएंगे। और आप हमारे टीम के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनसे आप बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप शिमला मनाली में हैं और स्नोफॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारी टीम का प्रयास ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कम हो रहा है। और तिब्बतियन मोनेस्ट्री आपको अंदर लेकर जाएंगे, और क्योंकि यहाँ जो बौद्ध धर्म के महामहिम जो सबसे बड़े गुरु है दलाई लामा यहीं निवास करते हैं, बहुत शांत जगह है। आइएगा, जो बौद्ध मोनेस्ट्री है मॉल रोड से उससे आगे है, थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है। आपको यहाँ यात्रा करनी चाहिए, रेनबो सेवन चैनल इसको रिकमेंडेड करता है और इसके अंदर वीडियो भी बना सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इतनी स्नो जम चुकी है और गाड़ियां स्लिपरी हो चुकी है, देख सकते हो गाड़ियां आगे नहीं जा रही है। और रात को आओगे तो और दिक्कत होगी, और शायद कल आपको कलाथ जो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है वहां तक ही स्नोफॉल देखने को मिल सकता है और आपको 4x4 गाड़ी से आना पड़े। और अब हम थोड़ी सी पैकेज वाली बात करते हैं, अपने पैकेज की नहीं। यदि आपने पैकेज ले रखा है तो आपको यदि नॉर्मल गाड़ी दी गई है और आप 4x4 की मांग करोगे तो इस समय मनाली में लिमिटेड गाड़ियां हैं, ज़्यादा उनकी संख्या नहीं है 4x4, तो उनका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है। शिमला की भी बात करें, शिमला में भी यही होता है, तो ये मतलब आपके पैकेज से भी दुगुना तिगुना राशि वसूलते हैं, क्योंकि खुद की गाड़ियां नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है 4x4 गाड़ी, मोस्टली ये 2-व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं। और इससे थोड़ा सा जो पैकेज प्रोवाइडर है आपके बीच, मेहमान और पैकेज प्रोवाइडर के बीच में थोड़ा सा संशय हो जाता है। ये जो आपने देखे वो लेटेस्ट नज़ारे हैं और ये नज़ारा है वो सुबह का अंतर दिखाने के लिए मैंने इस क्लिप को ऐड किया है। और टूरिस्ट और पैकेज प्रोवाइडर के बीच में जैसे स्नोफॉल होता है, ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, रोड स्लिपरी हो जाता है, तो लोकल साइट सीन है या जहाँ आपने बुक किया है वहाँ वो गाड़ी नहीं जा सकती है रोड स्लिपरी कंडीशन के कारण, तो मनमुटाव हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर शिमला पुलिस का जो लेटेस्ट अपडेट है अभी का चल रहा है शिमला पुलिस का, और SDRF है जो हिमाचल स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उनकी भी बातें आप यहां देख सकते हैं। इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ना। यहां पुलिस द्वारा जो स्नो ड्राइव है उसकी बारे में जानकारी दी गई है। और अब हम बताना चाहेंगे कि ऐसे मुद्दे जो आपके लिए काम के हैं वो हम उठाते हैं। हो सकता है कि वीडियो रुचि करना हो, हम लेटेस्ट वीडियो देते हैं, साथ में आपका जो काम लाइक और जो यूज़फुल है, आपकी जीवन रक्षा से संबंधित जुड़ी बातें हैं वो बताते हैं। और फरवरी का स्नोफॉल प्रेडिक्शन हम लेकर जल्दी ही हाजिर हो रहे हैं, यदि आप इसमें रुचि रखते हैं। हमने कोई बात छोड़ दी है तो मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट में, और हमारे सोशल हैंडल उनको भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा।